वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग विराट द व्लॉगर। तो मैं आया हूँ यहाँ पे नाहरगढ़ फोर्ट पर। तो जयपुर ट्रिप का ये हमारा दूसरा दिन है और यहाँ पे आने के बाद में सुकून, खुशी, शांति और आसमान को बहुत ही नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। तो चलो चलते हैं, आज आसमान को छू ही लेते हैं। तो लेट्स गो। तो गाइज फाइनली हम नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं और नाहरगढ़ फोर्ट में बताऊं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो राजा था उसके मतलब 7 रानियां थी। तो क्योंकि 7 अलग अलग उनके महल हैं रानियों के, और 7 अलग अलग महल में अगर अपन देखते हैं ना, तो वैसे महल अलग अलग हैं, उनके दरवाजे सिर्फ सारे दरवाजे एक ही गलियारे से कनेक्ट हैं। तो अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो घूम के वापस यहाँ पे आ सकता हूँ। तो चलो दिखाता हूँ मैं वह सारी चीज़ें। तो गाइज वैसे अगर मैं यहाँ पे अगर इस महल में घुसने वाला हूँ मैं, तो यह चंद्र प्रकाश नेम से महल है। अंदर से अगर अपन देखते हैं ना तो बहुत ही अच्छा महल है। इसके बारे में इसकी ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा है, इसका आर्किटेक्चर, इसका हर एक चीज़ बहुत अच्छी। तो गाइज सबसे पहले मैं एक महल को दिखा देता हूँ। वैसे 7 महल हैं, 7 महल बने हुए एक जैसे ही सारे के सारे। तो जिस गलियारे में मैं घुसूंगा वो गलियारा सारों 7 महलों से कनेक्ट है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ इस महल को, ऐसे सारे महल हैं। फैक्ट दिखा रहा हूँ वो मतलब राजा का दिमाग दिखा रहा हूँ, जो मतलब ये गलियारा है, ये गलियारा सारे 7 महलों से कनेक्ट है। चलो मैं यहाँ से चल के और वापस घूम के यहाँ पे ही आ जाऊंगा। चलो और सारे महल दिखा दूंगा, ठीक है। रूपचंद यहाँ पे खड़ा रहेगा, ठीक है रूपचंद, कहीं जाना मत इधर उधर से। और मैं यहाँ से चलूंगा इधर की साइड, यहाँ से इधर की साइड चलूंगा और इधर की साइड से निकल के आऊंगा। तो तेरी बात है ना, ठीक है, 7 कनेक्ट है। ये वो गलियारा है, यहाँ से अगर राजा आया करता है, और राजा आने के बाद में अगर उसको इस रानी के पास जाना होता है तो इस दरवाजे को खोल के इस महल में चले जाता है राजा। और जैसे ऐसे ही 7 महल हैं, उनकी 7 रानियाँ थी। तो ठीक है, मैंने महल को दिखा दिया। उसके बाद में अगर अपन यहाँ से चलते हैं, अगर राजा का मन नहीं करता कि इस रानी के पास मेरे को नहीं जाना, तो वैसे वे आगे की साइड निकलता है और आगे की साइड से इस गलियारे से चलता 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 वो रानी के दूसरे वाले महल में आ जाता है। अब ये महल और वो महल दोनों अलग अलग है, ठीक है। वो महल और ये महल, ये दूसरी रानी का महल है, उसकी दूसरी रानी यहाँ पे रहा करती है। फिर उसके बाद में अगर उनका मन यहाँ पे नहीं करता, वो तीसरी वाली रानी के पास जाते हैं और यहाँ से इस गलियारे से चलते 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 वो तीसरी रानी के तीसरे महल में आ चुके हैं। और ये है रानी का तीसरा वाला महल। इस महल में जे अब इसमें भी एक अलग से रानी रहा करती है। वैसे 7 रानियां गए, यानी 2 रानियां उधर रह गई और एक रानी तीसरी वाली यहाँ पे रहती है इस महल में। महल आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। अगर उनका मन यहाँ नहीं करता तो उसके बाद में फिर यहाँ से चलते 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 अब राजा को मतलब रानियों को नहीं पता होता है कि रानियों को बिल्कुल पता नहीं होता कि राजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर ये 4th नंबर की रानी का महल है और उनको नहीं पता होता ये चीज़ें, रानियों को नहीं पता चलता, ठीक। उसके बाद में अगर राजा का मन यहाँ पे भी नहीं करता ना, तो फिर वो आगे चलते 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 यहाँ से वापस गलियारे से निकलता हुआ, और ये है 5th नंबर का महल, 5th नंबर का महल। और इसमें भी फिर एक और रानी रहा करती है, ठीक है। अब इतनी सारी रानियां हैं, कन्फ्यूजन होता ही है कि जैसे कि रानी को नहीं पता होता है कि राजा कब मेरे पास आएगा, तो यानी उनको नहीं पता होता है, इसीलिए राजा उनको कन्फ्यूज एक एक दिन उनको देना होता है टाइम। तो ठीक है, फिर उसके बाद में फिर मैं आगे की साइड निकलता हूँ तो फिर अलग से एक और महल आ जाएगा, एक और भवन आ जाएगा जहाँ पे एक और नेक्स्ट रानी रहा करती है, ठीक है। तो ये है 5th या 6th नंबर का महल जिसमें एक और रानी रहा करती है। अब उस रानी को भी ये नहीं पता होता कि राजा आ रहा है, क्योंकि अगर राजा का मन होता है तो यहाँ से गेट खोलेगा, अंदर की साइड जाएगा। उनका मन नहीं होता तो वो आगे की तरफ निकल जाते हैं, और आगे की तरफ चलते 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 वो एक और नेक्स्ट वाले महल में
ये एक और नेक्स्ट वाला महल आ जाता है। तो ये है सातवां नंबर का महल जिसमें उसकी सातवीं रानी रहा करती है। और अगर उनका मन होता है कि मैं सातवीं रानी के पास जाना चाहूंगा तो यहां से वो एंटर कर जाएंगे। अगर उनका मन नहीं होता तो सीधा यहां से जाकर और आगे निकलता है, यहां से इन गलियारों में से निकल के। और ये है एक कॉमन वाला रूम, तो यहां से निकल के जैसे कि आगे की साइड ये गलियारा है। और जैसे मैंने जहां पे रूपचंद को छोड़ा था रूपचंद के पास में वैसे ही पहुंच गया। ऐसे होता है सिर्फ। वाह यार क्या गजब है यार। अब तुम एक बात देखो कितना दिमाग होगा यार, सात रानियों को एक साथ में संभालना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो राजा होता है ना उनका जहां पे मन होता है जिस रानी के पास जाता है। मैंने आपको फोर्ट दिखाई दिया था, इतने सारे किले हैं, सारी सब कुछ दिखा दिया, सारे भवन है इतनी। ये है इसमें सबसे ज्यादा देखने लायक चीजें। अगर इसके बारे में जो जानता है वो कमेंट करके जरूर बताएगा कि कैसा ये महल बनाया गया और राजा कितना ज्यादा चालाक होगा कि उन्होंने इतने सारे महल बना दिए। मुझे मतलब यहाँ आप जयपुर से हो ना सारे? नहीं हम लोग आए हैं हल्द्वानी से। हल्द्वानी उत्तराखंड? उत्तराखंड। मतलब सौरभ जोशी के फैन होंगे फिर तो आप, है ना? भाई सौरभ जोशी जहाँ पे रहता है ना वहाँ से आए हुए हैं आंटी और अंकल। और मुझे तो क्या नए नए लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। वैसे आंटी आपके बारे में बताओ, मैं अभी उत्तराखंड गया नहीं। उत्तराखंड बहुत अच्छा है ना वैसे? हाँ, उत्तराखंड बहुत अच्छा है। और इसको तो नहर के बहुत अच्छे हैं, बादल अच्छे हैं। हाँ, वहाँ की वादियाँ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। मैं खुद क्योंकि मेरा घर ऐसी जगह है कि चारों तरफ पहाड़। क्या बात है आंटी, मैं आना चाहूंगा वहाँ पे। क्योंकि आंटी और अंकल हमको मिले हैं तो मतलब आपको कैसा लगा नाहरगढ़? नाहरगढ़ अच्छा लगा, किला देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वैसे जैकेट देख लिया आपने? जगह देख लिया। क्या बात है, मतलब पिंक सिटी छानवारी आंटी यही है। सही है, आके देखो यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब राजा ने जो लॉजिक लगा के जो भवन बनाया बहुत अच्छा लगा। बना इतना है कि कोई फैन की जरूरत ही नहीं है, एसी की जरूरत है नहीं। और वैसे भी मतलब सात महल आपको यहाँ का रहस्य पता है ना, मतलब किस हिसाब से बनाया महल नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा। चलो मैं इनको बता देता हूँ आंटी। और यहाँ पे वैसे देखने लायक जो सबसे बढ़िया चीज है वो मैं बताने वाला हूँ इनको। ऐसे छोटे छोटे बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगता है यार। बाय, आगे ना हम मिलेंगे। ओके बाय बाय छोटू, बाय बोल दो। बाय बाय बोलो, लगा के बाय बोलो। अरे एक बार बाय। हाँ तो ऊपर की साइड में जाने वाला हूँ और यहाँ से मैं ऊपर की साइड से दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। आपने सात रानियों के साथ महल देख चुके होंगे आप। और उसके बाद में जो सबसे ऊपर यहाँ का हाई पॉइंट होता है वो अपन देखने वाले हैं। तो गाइस वैसे मैं इसके बारे में बता दूं, महल के बारे में, जो 1734 में महाराजा जय सिंह द्वारा बनाया गया था ये। और यह किला जयपुर यानी पिंक सिटी जयपुर की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था स्पेशली। वैसे इस जो फोर्ट है उसके चारों ओर मतलब बाउंड्री खींची हुई है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है। अगर इसकी बात की जाए ना तो मतलब जैसे कि यहाँ से पिंक सिटी की सुरक्षा करने के लिए इस किले को बनाया गया था। और अगर यहाँ से हर एक चीज़ वो दिखाई देती है जैसे कि कोई आक्रमण कर रहे हैं तो वो यहाँ से पूरा दिखाई देता है, इसीलिए इस चीज़ को इस किले को बनाया गया था। अगर गाइज आप नाहरगढ़ आना चाहते हो तो आपके लिए शॉर्ट वे है जो मैप पे देख के आप आ सकते हो। और अगर मतलब वैसे बाइक कार से विदाउट रिस्क आप आना चाहो तो थोड़ा लॉन्ग कट पड़ता है, लेकिन वहाँ से आप आ सकते हो। और शॉर्ट में यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ते हैं उन पहाड़ियों में, जो अगर बारिश के दिनों में आप चढ़ रहे हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज अपन मिलने वाले हैं एक और नए खूबसूरत ब्यूटीफुल ब्लॉग के साथ। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। ओके बाय। I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.